को ये बताना चाहता हूँ कि निपको हम लोग का जो हाइड्रो पावर है उनका तरफ से CSR स्कीम के अंदर हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट दिया है, जिससे जो है हम लोग लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन में बहुत काम आएगा। तो इसके बारे में ज़रा सा मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ। सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस का नीचे हिस्से में जो कैंसर होता है, ये बहुत कॉमन कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग का जो अभी तक का स्थिति बताता है कि ये इसका इंसिडेंस हमारे स्टेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो उसका जो है स्थिति बताए तो हर 1 लाख औरत को अगर हम स्क्रीन करें तो 27 में ये बीमार पाया जाता है। और बहुत लोग इस बीमार को जो है शुरू में पता नहीं चलता है, ज़रा सा ब्लीडिंग वेजाइनल ब्लीडिंग होता है उसको इग्नोर कर लेता है, सोचता है कि ये जस मामूली कुछ इन्फेक्शन होगा। ऐसा करके जब वो बड़ा गाहू बन जाता है तब जब हमारे पास आते हैं तो उसको जो है क्योर करना बहुत मुश्किल होता है और उस समय हम लोग को कीमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी वगैरह और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। मगर इसको बीमार को जो है अभी हम लोग बिगिनिंग स्टेज में हम लोग डायग्नोस कर सकता है। अभी हमका प्लान ये है कि 27 पर लाख का इंसिडेंस को हम लोग रिड्यूस करके इंडिया का जो नेशनल लेवल है वो 4 पर लाख में तक हम लोग इसको घटाना है। इसको घटाने का बेस्ट 2 उपाय है। एक है वैक्सीनेशन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके एक वायरस होता है जिसके इन्फेक्शन के कारण से ये बीमार होता है और ये इन्फेक्शन जो है बचपन से ही चालू हो सकता है। इसीलिए इसका वैक्सीनेशन अगर हम लोग गर्ल्स को कम उम्र में स्कूल गोइंग एज में अगर उसको वैक्सीन दिया जाए तो वो ज़िंदगी भर ये बीमार नहीं होगा। मगर अभी तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी शुरू होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अभी जस्ट शुरू होने वाला है, तो आने वाला पीढ़ी के लिए तो वो ठीक है। मगर अभी का जो लेडीज़ है हम लोग का जो कभी वैक्सीन नहीं दिया हो उनका जो है एवरी 1 लाख लेडीज़ में 27 आदमी को कैंसर होने का चांस है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर औरत आप जब भी यह हो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए और उनके स्क्रीन कराए। और कभी कभी आप कुछ कारण से दूसरा बीमार के कारण से हॉस्पिटल जाते हो तो आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको हम लोग सर्वाइकल स्क्रीनिंग करेंगे, जरा से आपको एक्सपोज करके हम लोग अंदर देखेंगे कहने से कभी कभी कोई लोग उसको मना करते हैं। मना नहीं करना है। तो अभी एक इक्विपमेंट हमें लाया है जो ये VIA कहते हैं, वो विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड करके, वो जो है हम लोग सर्विस को एक्सपोज करके उसमें जरा सा एक पेंट कलर डाल देते हैं। उसके बाद ये कोल्पोस्कोप से हम लोग देखने से उसमें पता चल जाता है कि सर्विक्स का कोई जगह में कोई घाव है या कैंसर होने वाला है। और अगर शुरुआत में पता चल जाता है कि जरा सा छोटा स्पॉट कहीं में हमको लगता है कि दाऊद है तो हम लोग उसको बायोप्सी ले सकते हैं और साथ साथ उसमें ज़रा सा एक नीडल घुसा के उसको हीट हम लोग उसमें अप्लाई कर देते हैं, करने से जो है उस एरिया को जो है बर्न हो जाता है। ऐसा होके इमीडिएटली वो जो कैंसर जो रुक जाता है। तो अभी ये कोल्पोस्कोप और VIA सिस्टम हम लोग का यहाँ आने के कारण से अभी बहुत लोग का लाभ होगा। तो मैं सब पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली लेडीज़ को, ये फैसिलिटी अभी TRIMS में अवेलेबल है। आप जब भी OPD में आएंगे आपका इंस्पेक्शन करेगा, उनका सर्वाइकल एग्जामिनेशन करेगा और सैंपल लेगा और ऑन द स्पॉट टेस्ट करके आपको इलाज भी दिया जाएगा। और ये फैसिलिटी हम लोग जब हम लोग हेल्थ कैंप के लिए जाते हैं इन पेरिफेरल एरिया में भी उनको इसको हम लोग ले जाएंगे। और मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि ये फैसिलिटी जो है अभी हर हेल्थ सेंटर में अवेलेबल कराना चाहिए। ज़रा सा ट्रेनिंग होने के साथ साथ में इसको मशीन को यूज़ करने के लिए अभी उतना गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होने से भी अगर कोई मेडिकल ऑफिसर MBBS डॉक्टर सिंसियर वाला अगर ट्रेनिंग करे तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो माई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज दैट ये मशीन को जो है हर जगह अवेलेबल कराना चाहिए और डॉक्टर लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल, आवर गायनी डिपार्टमेंट TRIMS इज वेरी थैंकफुल टू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NIPCO पारे प्रोजेक्ट, जो जिन्होंने हमें आज 2 बड़े इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स जो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यूज़ में आता है 2 इक्विपमेंट्स हमें डोनेट किया है। तो एंड विद इन शॉर्ट स्पान वी हैव रिक्वेस्टेड देम एंड विद इन शॉर्ट स्पान उनके
कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से, CSR फंड से उन्होंने निकाल के हमें गायनी डिपार्टमेंट ट्रिम्स को दिया है। अब ये इक्विपमेंट्स कैंसर सर्विक्स में स्क्रीनिंग में यूज़ होता है, तो मैं थोड़ा सा कैंसर सर्विक्स के बता दूँ। जो फिलहाल जो रिसेंटली दिस ईयर ओनली ये जो कैंसर सर्विक्स है वॉज इन द लाइम लाइट, इट वॉज इन द मीडिया, एंड ये पब्लिक को थोड़ा बताना ज़रूरी है। ये कैंसर सर्विक्स यूट्रस का जो मुंह होता है बच्चेदानी का, यूट्रस जहाँ में बच्चा होता है उसका जो एंट्री पॉइंट जो मुंह होता है उसमें कैंसर होता है, सर्विक्स, उसको सर्विक्स बोलते हैं। एंड वो ये एकमात्र कैंसर है जो ह्यूमन बॉडी में जिसको हम डिटेक्ट अर्ली कर सकते हैं कैंसर होने से पहले। ये कैंसर ऐसा होता है कि बहुत समय देता है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। इसका कारण है कि ये एक यूजुअली सेक्सुअली एक्टिव सेक्सुअली रूट से ही होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एजेंट्स होता है, तो उसके वो अगर कॉन्टैक्ट से मिल जाता है तो वो सर्विक्स में जाता है एंड वो चेंजेस लाता है। तो सर्विक्स में वो डिस्प्लेसिया मतलब प्री कैंसर चेंजेस लाता है, तो अब वो चेंजेस जो है कैंसर बनने में ऑलमोस्ट 20 साल लगता है। सो यू गेट एनफ टाइम टू डिटेक्ट दिस बिफोर इट बिकम्स कैंसर। तो अभी ये है कि अब ये इसको हम कैसा डिटेक्ट करें, तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग मेथड से, जो अभी हमको निप्पो ने दिया है, कोल्पोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट एंड थर्मोकोगुलेशन इंस्ट्रूमेंट, एंड हम पैप स्मेयर, यूजुअली हम पैप स्मेयर SPB एंड BIA विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एस्टिक एसिड से हम करते हैं। तो इतना समय मिलता है और हमारे पास सब कुछ है, एंड इट इज़ लाइक यू डोंट हैव टू, ये इसके लिए आपको एडमिशन ज़रूरी भी नहीं है, OPD जस्ट 5 मिनट का प्रोसीड्यूर है। तो इसको हम करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आगे कैंसर होने का चांस है कि नहीं है, सर्वाइकल कैंसर। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज हमारा जो वेस्ट अरुणाचल जो पापुमपरे डिस्ट्रिक्ट PBCR डाटा यूनिट है, तो वेस्ट अरुणाचल का जो कैंसर सर्विक्स इंसिडेंस है वो इंडिया में हाईएस्ट है। वी आर 27.7 पर 1 लाख, जो इंडिया में हाईएस्ट है। तो ये बार बार आई मीन इट इज़ देयर इन द न्यूज़ ऑल्सो। तो हमारा एक फर्ज होता है एज ए डॉक्टर और एज ए होल मेडिकल पेटर्निटी कि हम इसको वी शुड डू समथिंग, एंड WHO इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज क्लियरली गिवन द टारगेट ऑफ टू ब्रिंग इट डाउन टू 4 पर 1 लाख, जो एक SDG का गोल है। 2030 दिस एलिमिनेशन ऑफ कैंसर सर्विक्स अप टू ब्रिंग इट डाउन टू 4 पर 1 लाख। तो हम उसको कैसे ला सकते हैं बाय 2030? एटलीस्ट कुछ तो ला, यू शुड ब्रिंग इट डाउन। हमारा जो 27.7 पर लेक है बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लाने के लिए वी हैव टू मेथड्स। एक तो है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को मजबूत किया जाए, जो हमारा पैप स्मेयर स्क्रीनिंग BIA और SPB है, और कॉन्फर्मेशन विद कोल्पोस्कोपी एंड ट्रीटमेंट जो एब्लेशन है, थर्मोकोगुलेशन, जिसको हमें निप्को ने आज दिया है, ये जो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स। तो अभी ये सब पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब ये सब हमारे पास है, ट्रिम्स गायनी डिपार्टमेंट में ये सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। इट वाज देयर, स्क्रीनिंग प्रोग्राम तो चल ही रहा है, तो पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग स्पेशली ऑल द लेडीज़ जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है 25 ईयर्स एंड अबोव, जो मैरिड है, जो सेक्सुअली एक्टिव है, और जिसका कुछ प्रॉब्लम है, जिसका डिस्चार्ज ज़्यादा होता होगा या ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, तो जिसका भी कुछ जो सेक्सुअली एक्टिव है और मैरिड है, तो अबोव 25 ईयर्स एंड अबोव दे शुड, ये लोग आना चाहिए हमारे गायनी डिपार्टमेंट, हमारे पास ट्रिम्स में, या तो एनी प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट या आर्केमिशन, जहाँ भी हो आपको जाना चाहिए। और ट्रिम्स में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ तो इट्स फ्री ओनली, हमारे पास फ्री है, बाकी तो दे कैन दे माई चार्जेस। तो आपको अगर आपको तकलीफ है ये सब पेमेंट के लिए, तो आप यू कैन ऑलवेज कम टू आवर गायनी डिपार्टमेंट OPD एंड गेट दिस सर्विस, स्क्रीनिंग सर्विस, एंड इवन दिस ट्रीटमेंट जो कोल्पोस्कोपी एंड थर्मोकोगुलेशन है, वो भी आपको फ्री में, हम चार्ज नहीं लेंगे, बिकॉज दिस इज डोनेटेड बाय आर निप्को, एंड दिस इज फॉर नॉट टू अस, दिस इज फॉर द पब्लिक, पब्लिक का यूज़ के लिए डोनेट किया है। तो ये है, ये रही स्क्रीनिंग। सो हम स्क्रीनिंग करके हम कैंसर सर्विक्स होने से पहले ही हम, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बहुत समय मिलता है तो चेंजेस होने में टू बिकम कैंसर, तो हम इजीली वी कैन
स्टॉप दिस प्रोग्रेशन। दूसरा है ह्यूमन एचपीवी वैक्सीनेशन, जो यंग लड़की को अबव 9 ईयर्स 10 to 15 ईयर्स जो लड़की है, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, गर्ल चाइल्ड जो स्कूल जाता है, उनको वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन दिया। इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, बेसिकली बिफोर दे आर सेक्सुअली एक्टिव, बिफोर दे आर मैच्योर ना, बिफोर दे आर मैरिड। सो यंग एज का समय ही उसका इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं अगेंस्ट द एचपीवी वायरस इन्फेक्शन, बिकॉज एचपीवी वायरस इन्फेक्शन इज द कॉज ऑफ मैक्सिमम 98 to 99% कॉज ऑफ कैंसर सर्विक्स। तो हम ये वैक्सीन अगेंस्ट द एचपीवी देने से तो इम्यूनिटी बूस्ट होगा एंड इन फ्यूचर दे विल नॉट गेट दिस कैंसर सर्विक्स। तो ये वैक्सीनेशन तो बाहर कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी माने इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो वहाँ पे तो कैंसर सर्विक्स पूरा कम हो गया है। तो हमारे इंडिया में अभी तक एचपीवी वैक्सीनेशन पूरा अभी तक नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर, दिस वैक्सीन इज कॉस्टली। लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि इस बार फेबरवरी 2024 को बजट सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी मैडम ने अनाउंस किया था कि ये एचपीवी वैक्सीनेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड टू ऑल द यंग गर्ल्स बिलो 15 ईयर्स थ्रू आउट द इंडिया। एंड सी हैज क्लियरली इंस्ट्रक्टेड द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट एंड द एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये तीनों को रोल ओवर करने के, प्रोग्राम को रोल ओवर करने का डायरेक्शन दिया गया। इट्स ऑलरेडी पास इन द लोकसभा बजट सेशन पे। सो होपफुली विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट इन द जून मंथ, तो वी शुड वेट फॉर दिस। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द CBOs एंड NGOs एंड स्पेशली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड ऑल्सो प्रेस अपॉन द गवर्नमेंट, जो हमारे स्टेट में भी जो स्टेट गवर्नमेंट होगा आने वाले स्टेट गवर्नमेंट में, तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली वो अपने बेटी रिगार्डिंग दिस कैंसर सर्विक्स प्रिवेंशन, दे शुड ऑल्सो वॉइस फॉर दिस। इसी में मैं अपने बात रखूँगा। एंड लास्टली ऑल द पब्लिक, स्पेशली ऑल द 25 ईयर्स एंड अबव जो लेडीज है, जो भी और एनी वन हु हैज़ प्रॉब्लम, दे शुड कम टू दे इफ दे वॉन्ट टू गेट कैंसर सर्विस स्क्रीनिंग। द सर्विस इज अवेलेबल इन अवर गायनी डिपार्टमेंट रिम्स। आप फर्स्ट फ्लोर में आइए न्यू बिल्डिंग ब्लॉक में, सो आप यू विल गेट लेडीज डॉक्टर ऑल्सो, लेडी गायनिकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो दिस आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ डन एंड इट इज़ अवेलेबल। एंड आपको हम जितना सकेगा हमारी तरफ से हम अपने सर्विस देंगे। मेरा नाम डॉक्टर टोमर बसर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन ट्रिम्स। तो टुडे आई वुड लाइक टू थैंक्स नेपको पारे प्रोजेक्ट एंड आवर डायरेक्टर सर, एंड स्पेशल थैंक्स टू द फॉर CSR प्रोग्राम। सो इसलिए मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि हम लोग का ट्रिम्स OBG गायनी हम लोग बेस्ट सर्विस देने का कोशिश कर रहा है, स्पेशली लाइक नाउ वी हैव फुल फ्लेज्ड ऑन्कोलॉजी विंग्स। तो हम लोग का एक प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी बोलता है, जो जिसमें कैंसर होने से पहले डिटेक्शन करना, उसके लिए सामान नेपको ने दिया हुआ है आज। तो इसलिए मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो सामान दिया है उसको आप बेनिफिट ले लीजिए, ट्रिम्स OPD में आके अपना आपको गायनी को चेक करा लीजिए। लाइक इसमें और हम लोग अपडेट करेंगे और क्या क्या करेंगे, आप पेशेंट आना पड़ेगा। तो पब्लिक लोग हम लोग का इधर शर्म करते हैं और आता नहीं है, तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आप लोग सब आइए और चेक करा लीजिए। एंड थैंक यू MPL News Life फॉर कवरिंग अस, एंड थैंक यू सो मच।